खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। का मुद्दा, मैं हूं आपके साथ दीपाली। देश इस वक्त कोरोना काल से गुजर रहा है, ऐसे में राजनीति भी अपने चरम पर है। एक तरफ सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष उसी पर नकेल भी कस रहा है। विपक्ष जैसे ही सरकार पर किसी भी मुद्दे को लेकर विरोध करता है तो उस पर कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का हवाला देकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन सत्ता पक्ष जब कोई कार्यक्रम या फिर आयोजन करता है तो नियम और कायदे कानून को पर ताक पर रख दिए जाते हैं, फिर नियमों की दुहाई भी नहीं दी जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नियम विपक्ष या दूसरे दलों पर ही लागू होते हैं और सत्ताधारियों के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। आज शाम प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया, कोरोना से संबंधित नियम कायदे के पालन करने की बात कही। ये भी कहा गया कि इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए। एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को शायद ये नहीं मालूम कि उनके ही मंत्रिमंडल के सदस्य कोरोना से संबंधित नियम कायदे की धज्जियां उड़ाते हैं। कल ही बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त कॉलेज, स्थानीय कॉलेज के एक प्रोग्राम में शामिल हुए। मस्त जी मस्त थे तो छात्र भी आनंद में, ना किसी ने मास्क पहना ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। पिछले दिनों दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष भी जनसंपर्क अभियान पर निकले, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ही ख्याल नहीं रखा गया। ऐसी अनगिनत मिसाल है जब बर्थडे हो या पार्टी का कार्यक्रम, बीजेपी के नेताओं ने कोरोना संक्रमण से बचने के उपायों को बिल्कुल ही नजरअंदाज किया। खास बात यह है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई भी नहीं हुई। हमें सावधानी और संयम किसी भी हाल में किसी भी रूप में नहीं तोड़ना होगा और जो भी दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, और प्रधानमंत्री जी ने इसी चीज का संदेश दिया, इसी चीज के लिए लोगों से अपील की। उसके उलट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जरूर कोरोना पाठ पढ़ाया गया, कभी उन पर लाठीचार्ज हुआ तो कभी उन्हें जेल भेजा गया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गिरफ्तार किया गया, वो करीब 26 दिन जेल में रहे। उन पर आरोप ये था कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया था। वो लाख दमन करना चाहे कर ले, अजय लल्लू न जेल से डरा है न लाठी से डरा है। राजनीति में जेल और मुकदमे इनाम होते हैं और उस इनाम को झेलने के लिए तैयार हूँ। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध दर्ज करने सड़कों पर उतरे तो उनके खिलाफ भी सोशल डिस्टेंसिंग का ना पालन करने का मुकदमा ठोक दिया गया। आप विपक्ष की आवाज को कुचल देना चाहते हैं, मुकदमों के डर से दबा देना चाहते हैं, जनता के सवालों को उठाने वालों को आप थाना, जेल और कचहरी दिखाना चाहते हैं, तो हमने भी तय कर लिया है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रधानमंत्री की बातों को अक्षरशः पालन करना चाहिए। जो मास्क ना पहने, सामाजिक दूरी ना बनाए रखे, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बात यह है कि प्रशासन तो भेदभाव कर सकता है लेकिन कोरोना नहीं। कोरोना तो उन तमाम लोगों को अपना शिकार बनाएगा जो एहतियाती कदम नहीं उठाते। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो
ऐसे में आज का हमारा सवाल है कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार राजनीति हो रही है, तो क्या सोशल डिस्टेंसिंग बना है सियासी हथियार? इसके अलावा सवाल नंबर दूसरा है, कोरोना के बहाने विपक्ष पर वार, क्योंकि कोरोना के बहाने यहाँ पर विपक्ष पर लगातार वार किया जा रहा है। कोरोना तो बहाना है, विपक्ष को निपटाना है क्या? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा चौथा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने जो आज संदेश दिया, क्या उससे लोगों को अब सबक मिलेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री की पहली लाइन ही यही थी कि नियम कानून सबके लिए बराबर हैं, लेकिन जो तस्वीरें दिख रही हैं वो बिल्कुल उलट दिख रही हैं, क्योंकि कांग्रेस जब विरोध करती है या फिर विपक्ष जब विरोध करता है तो उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, लेकिन अगर यही सरकार के कोई नुमाइंदे दिखते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कहें कोरोना को लेकर जो नियम है उसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या आज जो पीएम ने संदेश दिया है इससे अब कोई जागेगा या फिर सबक मिलेगा? तो ऐसी एक नहीं बल्कि तमाम ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, और इस वजह से जो केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर नियम क्यों नहीं फॉलो किया जा रहे हैं। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नवीन श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता बीजेपी के हैं। बहुत स्वागत है नवीन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के। बहुत स्वागत है किशोर उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा सिराज मेहंदी जो कांग्रेस नेता के हैं, सिराज मेहंदी जी बहुत स्वागत है। इसके अलावा रामदत्त त्रिपाठी जी हैं जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी आपसे ही सवाल लेते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर अभी ये देखा जा रहा है कि जो नियम कायदे हैं वो दोनों ही पार्टी के फॉलो नहीं करते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुकदमा एक पर दर्ज किया जा रहा है, इस पर मैं और सवाल लूंगी, लेकिन जब प्रधानमंत्री ये संदेश दे रहे हैं और ये सब सिचुएशन लोग देख रहे हैं कि सिचुएशन क्या है, तो विरोध अपना जताएं, लेकिन जो कम से कम नियम कायदे ये जब जो हमारे माननीय हैं ये अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जनता को क्या मैसेज देंगे? नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये चीजें ऊपर से ही आती हैं। अगर जो समाज का जो टॉप लेवल है, खास करके जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, वो नियम कानून को फॉलो करते हैं तो नीचे वाले अपने आप थोड़ा उनका अनुकरण भी करते हैं, डरते हैं, और जो प्रशासन है उसको सुविधा होती है उसको ठीक से लागू करने में। लेकिन आप देखिए, ये सच्चाई है, दो बातें बहुत सच्चाई हैं। एक तो हमारा फ्यूडल सोसाइटी है, तो फ्यूडल सोसाइटी में एक ऑटोमेटिक लोगों के दिमाग में, साइकोलॉजी में होता है कि जो भाई बड़े आदमी हैं, जो सत्ता में हैं, वो कुछ भी करें उनको रोकना टोकना है नहीं, और अब वो भी मर्यादा में नहीं रहते। दूसरे आम आदमी भी देखिए आप कि कायदे से लोगों को खुद पालन करना चाहिए, तो हम देख रहे हैं कि आम लोग भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। चाहे आप बाजार में देख लीजिए, चाहे जहां देख लीजिए, लॉकडाउन खुल गया है तो लोग समझते हैं कि हमारी स्वतंत्रता है, स्वच्छंदता है जी। अब जहां तक बात देख, बिल्कुल लौटेंगे सर आपके पास। एक अब रुक करते हैं नवीन श्रीवास्तव जी का। नवीन जी, जब यहाँ पर कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी जब विरोध कर रही है तो आप उन पर केस लगा दे रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का। आपने हमारी रिपोर्ट देखी होगी, उसमें तस्वीरें देखी होगी, और यही जब बीजेपी के जो कार्यकर्ता या बीजेपी के जो नेता दिखते हैं उन पर तो कोई केस दर्ज नहीं किया जाता, तो नियम क्या अलग अलग हैं? देखिए, दुर्भाग्य इस देश का है कि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में हमारे अधिकार क्या है उस पर तो हम सारे लोग चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या है इस पर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, कोई करना है। जब कोरोना से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक आवश्यक निर्देश दिए गए तो उसका पालन सबको करना चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री का उदाहरण देके सबको ये सचेत भी किया, सबसे ये आग्रह भी किया कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे गांव का प्रधान, कोई संविधान से और नियम से ऊपर नहीं है,
कोई भी राजनीतिक दल का नेता, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, अगर उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं दीपाली जी आपको दो विषय बताना चाहूंगा। आपने चूंकि दो तस्वीरें दिखाई, दो विषय रखे कांग्रेस के नेताओं पर। देखिए, कांग्रेस के अजय कुमार लल्लू जी को जब आगरा से गिरफ्तार किया गया तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ उनके ऊपर जो धाराएं लगी कि एकेडमिक एक्ट में अफवाह फैलाने के, जिस प्रकार से बसों के बजाय मोटरसाइकिल और स्कूटर के नंबर उन लोगों ने दिए, नोएडा में बस पहुंचाने के बजाय आगरा में जिस प्रकार से उन्होंने प्रशासन को भ्रमित किया, उनके ऊपर वह सारे आरोप थे, उसमें उनकी गिरफ्तारी हुई। कल कांग्रेस के एक नेता की लखनऊ में गिरफ्तारी हुई रात को। उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई कि सीए के विरोध में जो लखनऊ में हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे दिसंबर 2019 में, उसमें कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के एक नेता है शाहनवाज आलम, उनका नाम सामने आया। जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान साक्ष्य के जुटाने के दौरान उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले तो उनकी कल गिरफ्तारी की गई। अब उनकी गिरफ्तारी जब की गई तो उसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ता जाके थाने के अंदर नारेबाजी कर रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं, शांति व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग सबका उल्लंघन कर रहे हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। इसको जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है, आप सही कह रहे हैं कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन जब यही आप पे, जब आपके कार्यकर्ता या आपके नेता होते हैं तो क्यों लागू नहीं किया जा रहा है? अब इसका जवाब किशोर उपाध्याय जी बहुत अच्छे से देंगे, लेकिन फिर भी मैं एक चीज ऐड करती हूँ। जब सतपाल महाराज जी की बात आई थी, वो पॉजिटिव हुए थे, उससे पहले ही उनके घर के आगे चस्पा कर दिया गया था कि जो चस्पा होता है कि यहाँ पर अभी सेफ नहीं है, फिर भी वो कैबिनेट की मीटिंग में गए थे। किशोर उपाध्याय जी, आप बताइए, यहाँ पर आप पर भी ये लागू होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के जो नियम है उसे फॉलो किया जाए, जिसके तहत आप पर आप मौका दे रहे हैं कार्रवाई करने का? दीपाली जी, मैं जो आज पैनल में जुड़े हुए हमारे साथी हैं, रामदत्त जी तो बहुत ही विद्वान है, नवीन जी की बात भी मैं भी सुन रहा था, सिराज भाई मेरे, हम बहुत पुराने साथी हैं। आज के दिन जो आपने विषय चुना, मैं आपको बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये जो COVID-19 है, अभी तक भी पूरी दुनिया ये तय नहीं कर पाई कि भविष्य में क्या होगा। देखिए, राजनीति हो, तब चाहे कोई काम धंधा हो, तब चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो, जब जिंदा रहेंगे तभी तो कोई काम कर सकते हैं। ये जरूर है कि हमको जो भी जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नेता डॉक्टर नहीं हो सकता, तब चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, मैं प्रधानमंत्री का बहुत आदर करता हूँ क्योंकि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं ये समझता हूँ, वो समझते हैं कि नहीं समझते ये उन्हीं का मन जानता है। तो जो डॉक्टर बोले, जो विशेषज्ञ बोले, उसके अनुसार प्रधानमंत्री जी से लेकर के ग्राम प्रधान तक सबको चलना चाहिए। लेकिन उसमें पता चले कि साहब जो है वो ग्राम प्रधान अगर कांग्रेस का है या किसी दूसरे दल का है तो उसके साथ तो अलग कानून है, लेकिन जो आपका समर्थक है उसके लिए अलग कानून है। अब आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई, और उस स्थिति का ये ठीक है, हमारे दोस्त थे ज्योतिरादित्य जी, लेकिन वो स्थिति ये हुई कि उन तक को कोरोना हो गया जब आप सरकार गिराने में जुट गए। आप ये देखिए कि आज बड़ा भारी मसला है उत्तराखंड में, और हमें बड़ा कभी गर्व भी होता है, लेकिन अब मुझे बड़ी शर्मिंदगी भी होती है कभी कभी। रामदेव जी हैं जी, उन्होंने आपके सारे चैनलों में चला कि रामदेव ने बना दिया और अब कोरोना खत्म होने वाला है। भाई, आप सबसे पहले आज तो उनको जेल में होना चाहिए था, आपने आज उनको बेल आउट कर दिया है। आपने जहां जहां आपकी सरकारें हैं वहां आपके अलग कानून है। भाई, टेहरी में मैं देखता हूँ कि वहां के विधायक के लिए अलग कानून है, जब यहाँ जिला हमारा उसमें रेड जोन में था तो वो तो सारे में जो है वो 2 किलो चावल बांट रहे थे और बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था। यही देहरादून में बहुत से साथियों ने जितनी अपनी जेब से पैसा लगाकर गरीब लोगों की मदद की जी, उनके खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज कर दिए गए। कल मैं मानता हूँ हो सकता है किशोर उपाध्याय भी गलत हो जी, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मुकदमे दर्ज करने के लिए थोड़ी होता है कि बिना बात के आप मुकदमे दर्ज करेंगे।
हरीश रावत जी पर और उनके साथियों पर कर मुकदमे दर्ज हो गए। हरीश रावत जी से बड़े कद का कोई नेता मेरे ख्याल से उत्तराखंड में नहीं है और आज के मुख्यमंत्री तो उनके सामने, मैं ये नहीं कहता, मैं कोई शब्दों का, अनुचित शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन आप खुद आकलन कर लीजिए, अगर मान लीजिए वो कहीं पर कुछ हो सकता है, उनसे त्रुटि हो जाए, वो भी मानव है, तो आपका यहाँ पर SSP है, आपका यहाँ पर DM है, तहसीलदार है, SDM है, थानेदार है, अरे भाई उनको कहते कि पूर्व मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप किशोर जी, यही बात है कि नियम कानून जो है वो सबके लिए होने चाहिए और वही चीज नहीं देखने को मिल रहा है, जिसका जाहिर सी बात है जब जनता ये देखेगी तो मैसेज ही यही जाएगा कि जब बाकी लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसे में विरोध दर्ज हो रहा है तो फिर जो और कार्यकर्ता है खासतौर से BJP के वो और मुखर होंगे और फिर ऐसे केसेस जो हम बात सरकार पर सीधे कर देते हैं कि सरकार का कहाँ फेल्योर है जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पर जो विपक्ष है उसी पर केस क्यों दर्ज किया जा रहा है, जब यहाँ पर BJP के जो कार्यकर्ता हैं वो अगर निकलते हैं तो नियम उनके लिए क्यों नहीं है, उन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जाती है, इस पर सवाल उठ रहा है। हालांकि नियम सभी को फॉलो करना चाहिए और ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि किसी पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, इनको देख कर जनता भी सीखती है। हमारे साथ सिराज मेहंदी जी जुड़ चुके हैं, नेता कांग्रेस के हैं। सिराज जी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा सवाल आपसे ही करती हूँ, सर क्या वजह है, नवीन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं BJP के, वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ता मान ही नहीं रहे हैं और वही नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? एक तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आपने हमारे बड़े भाई किशोर उपाध्याय जी को बुलाया कांग्रेस से, तो हमको बुलाने का उचित नहीं था, कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस पक्ष रखते, और मैं तो अभी थोड़ा सा अनिश्चितता की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन आपके सवाल अच्छे हैं और श्रीवास्तव जी ने जो जवाब दिया है, जाहिर बात वही जवाब देंगे जो उनकी पार्टी कहेगी। मेरा मानना यह है कि इमरजेंसी जो इंदिरा जी ने लगाई थी वो घोषित थी, आज अघोषित इमरजेंसी है। कोई विपक्ष का अगर सवाल पूछ ले तो देशद्रोह है, कोई विपक्ष का आदमी कोई सवाल पूछ ले तो गलत काम है, वो चाइना से मिला हुआ है। विपक्ष का अगर कोई आदमी सवाल पूछ ले तो वो पाकिस्तान से मिला हुआ है। तो ये हालात जब पूरे देश में बने हुए हैं तो वही नकल तो नीचे लोग करेंगे, चाहे वो बलिया के MP हों, चाहे जौनपुर के MP हों, कहीं की भी MP हों, उनको जाहिर बात ताकत ऊपर से मिल रही है, जैसा वो रास्ता ऊपर दिखलाया जा रहा है वैसा ही लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मेरा ख्याल वही समझते हैं, दूसरा समझ नहीं पाता है। आज भी जो उन्होंने कहा, क्या संदेश दिया है, कोई समझ नहीं पा रहा क्या संदेश दिया है, जनता कहाँ जा रही है। लॉकडाउन जाहिर सी बात है, लॉकडाउन में हर आदमी को अपना अपना ध्यान रखना है, सरकार ने छोड़ दिया सबको कि अपने हालात पर रखो, प्रशासन वही करेगा जो सरकार को इशारा मंशा होगी जी। तो जाहिर बात इसमें विपक्ष जब कहीं कि बोल नहीं सकता, कह नहीं सकता, सरकार तो हमेशा रही है, ऐसा नहीं BJP सरकार हमेशा रही है, जब BJP ने कौन सा सवाल नहीं उठाया है। आज मोदी जी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी की तारीफ कर रहे हैं, कल यही BJP उनकी तमाम सबसे बड़े उनके ऊपर आरोप लगा रही थी, भारत सरकार नरसिम्हा राव जी की थी जी। तो प्रधानमंत्री जी कब क्या कहते हैं, कब चाइना के राष्ट्रपति को ला करके झूला झुलाते हैं, कब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ जाके बिरयानी खा के आते हैं, कब नेपाल जाते हैं। आज नेपाल जैसा मुल्क जो हमेशा हिंदुस्तान पर डिपेंड रहता था वो हमको आंखें दिखा रहा है। तो ये सब देश की सुरक्षा का मामला, अगर इस पर कोई सवाल पूछा जाता तो आप जवाब दीजिए, बजाय जवाब देने के आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, वो हमको आपको जाहिर सी बात है उस पर हमको आपको सोचना पड़ेगा, खुद सोचना पड़ेगा, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार नहीं है, इससे हमें खुद सोच के रखना पड़ेगा। लेकिन आज विपक्ष को जिस तरीके से कमजोर करने की कोशिश हो रही है, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है, ये सब जनता देख रही है और जनता फैसला करती है, ऐसा नहीं है। अगर आखिर जब कांग्रेस के नई इमरजेंसी लगाई जनता नहीं देखा था, लेकिन 2.5 साल में क्या हुआ, सरकार चली गई। तो ऐसा नहीं है कि आज मोदी जी, अमित शाह जी या योगी जी जो कह रहे हैं वही रामबाण है, रामबाण वो है जो जनता चाहेगी। आज विपक्ष को ये तो सब समझ रही, जनता भी समझ रही है कि विपक्ष को क्रश करने कोशिश हो रही है, विपक्ष को आरोप लगाया जा रहा है, ED और CBI की धमकी दी जा रही है। ठीक है, चलिए जवाब दे देते हैं नवीन जी। नवीन जी, आप विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, ये साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि अगर हम जो जिस मुद्दे को हमने उठाया है इस पर भी यही नजर आ रहा है कि क्यों उन पर ही ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं बहुत ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आप लगातार जिस बात को कह रही हैं कि कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमा इसलिए कराया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का मामला नहीं है,
और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए दूसरे मामले भी है। कल रात को लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष बीजेपी की बात कर रही हूँ, अगर बीजेपी के ऐसे जो कार्यकर्ता अगर आपको दिखते हैं या नेता दिखते हैं, श्रीवास्तव जी शाहनवाज पर जो मुकदमा शाहनवाज की जो गिरफ्तारी कल आपने कराई है, चार महीने पहले का मामला है, बीच में आपने क्यों नहीं गिरफ्तारी कराई? चार महीने बाद आप सोच समझ गिरफ्तारी करा रहे हैं। मैथी साहब आप सीनियर आदमी हैं, आप ध्यान रख के सुनिए। मैथी साहब आप बहुत सीनियर, मैं बड़ा सम्मान कर रहा हूँ। अरे भाई तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ कि चार महीने पहले का मामला था, चार महीने बाद आप गिरफ्तारी रात में करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? अरे सुन लीजिएगा आप, मैथी साहब जब आपका मौका है सुनूंगा, जरूर सुनूंगा, बहुत वरिष्ठ, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ आपका, जरूर जरूर सुनूंगा। देखिए श्रीमान जी, शाहनवाज आलम के खिलाफ, शाहनवाज आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ दिसंबर में, साक्ष्य इकट्ठे किए गए, जब पुलिस के पास पुख्ता साक्ष्य मिले तब उनकी गिरफ्तारी की गई। इसका कोरोना से, सोशल डिस्टेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है। अजय लल्लू की गिरफ्तारी से हुई, उन्होंने बस के मुद्दे पर जिस प्रकार से भ्रामक सूचनाएं दी और प्रशासन को गुमराह किया, उसके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। हाँ, यह बात जरूर है कि चाहे वो भाजपा के नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आम आदमी हो, सबको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना चाहिए। मैं अब दीपाली जी बताना चाहूंगा, मेहदी साहब ने प्रधानमंत्री जी को लेकर दो तीन बातें कही, मैं उसका जवाब जो नहीं कर रहा उस पर कार्रवाई होगी, प्रधानमंत्री जो आपके लोग नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई होगी। अरे सुन लीजिए सर, सुन ले, अरे थोड़ा धैर्य रखिए, सुन लीजिए जरा, आप जवाब दीजिएगा, आप अपने वरिष्ठ, अपनी गरिमा का थोड़ा ध्यान रखिए। दीपाली जी, जी। मेहदी साहब ने कहा कि प्रधानमंत्री जी चीन के राष्ट्रपति को बुला के झूला झूल रहे थे। मैं घटना बताना चाहूंगा, मेहदी साहब को याद होगा और रामदत्त त्रिपाठी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। 1971 में इंदिरा जी के नेतृत्व में भारत की सेना ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमारे कब्जे में थे और लिखा पढ़ी में भारत के मात्र 256 सैनिक थे उनके पास। हमारी सेना लाहौर के दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन क्या सिराज मेहदी साहब या कोई कांग्रेसी बताएगा कि शिमला में रातों रात इंदिरा गांधी, जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के बीच क्या समझौता हुआ? पाकिस्तान नहीं, सुनिए, मुद्दा नहीं, मुद्दा यह है जब उन्होंने बात की चीन के राष्ट्रपति को लेकर, तो इसका भी जवाब चाहिए। रही बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी की बात जो है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात की जो गरीबों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, कांग्रेस वाले तो इतने धनाढ्य हो गए 55 साल में। ठीक है नवीन जी, मैं आपकी बात मान रही हूँ, यही हम प्रधानमंत्री की बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं। नवीन जी दीपाली, नवीन जी आपकी बात को ही आगे बढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री आकर ये कह रहे हैं कि प्रधान और प्रधानमंत्री के नियम में कोई अंतर नहीं, दीपाली जी मैं वही कर रहा हूँ, एक मिनट का मुझको मौका, बात पूरी कर लीजिए। अभी मेहंदी प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री बात स्वागत योग शिवाजी जी सब है, जब उनकी बात मानी जाए। सुनिए मेहंदी साहब, मेहंदी साहब सुनिए पहले, गरीब और गरीबी ना सुन सकते हैं ना बात कर रही है। 80 करोड़ लोगों को 5 महीने मुफ्त राशन जो देने की बात की है प्रधानमंत्री जी की, वह आपको और आपके दल को समझ में नहीं आएगी, इसलिए कि गरीब और गरीबी से आपका कोई रिश्ता नहीं है। आप अमीरों के लोग और अमीरों की बात करते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 महीने के लिए मुफ्त राशन देने की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही, वो ना आपको समझ में आएगी ना आपके आलू से सोना बनाने वाले नेता को समझ में आएगी। चलिए ठीक है, मैं जरा रामदत्त त्रिपाठी जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि बहुत देर से उनके पास हम गए नहीं है, उनसे जरा एक मिनट। ठीक है नवीन जी, आपने बात रखी अपनी, अब रामदत्त त्रिपाठी जी के पास जाती हूँ। सर ये बताइए, अब यहाँ पर दोनों ही अपनी अपनी बात रख रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जिस कोरोना को लेकर हम इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, आज वो स्थिति आ गई है कि अभी भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो चीजें हैं जिसको दोनों को ही संभल कर चलना होगा, उसी से सारी चीज आगे बढ़ेगी, चाहे हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें या हम गरीबों की बात करें या अमीरों जिसकी भी बात करनी हो, लेकिन वही चीज अगर सही नहीं होगी, उसी नियम को हम नहीं फॉलो करेंगे, तो क्या आगे बढ़ेंगे हम, स्थितियां हमारी और बिगड़ेगी, जिसकी बात ये कह रहे हैं कि भारत अभी तेजी से रिकवर कर रहा है। देखो इसमें तो कोई दो राय ही नहीं, आपने जो विषय रखा है कि सभी को कड़ाई से नियम का पालन करना चाहिए कोरोना के संदर्भ में, आप मेरा ही उदाहरण लीजिए, हम करीब 3 महीने से केवल एक दिन मैं हजरतगंज गया हूँ और हम बिल्कुल हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बचाव ही उपाय है और कोई उपाय ही नहीं है।
तो ये तो बिल्कुल है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा जनता में जागरूकता और बढ़ाने की जरूरत है। और एक तो बात ये है कि ये जो पूरे दौरान में हुआ ये है कि ये सारी जो वार्तालाप हो रही है कोरोना के संदर्भ में, ये सारी अंग्रेजी में हो रही है, लॉकडाउन कोरोना। सर एक बात और जोड़ना चाहूंगी मैं, अभी कुछ दिन पहले से हम बहुत सारी तस्वीरें ये देख रहे हैं, सर डॉक्टर यहाँ जागरूक भी कर रहे हैं। न्यूजीलैंड का एक मामला आया जिसमें जैसे ही मंत्री ने नियम का उल्लंघन किया उन पर जुर्माना ठोक दिया गया। क्या बिना जुर्माना बिना उसके हमारे यहाँ देश में कोई मानेगा नहीं? क्योंकि बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली कांग्रेस की तरफ से, ये देखने को मिली जब वो विरोध करने उतरे तो तमाम कार्यकर्ता, एसपी के भी तमाम कार्यकर्ता मास्क जरूर पहने रहते हैं लेकिन भीड़ वैसी होती है। बीजेपी के कई बड़े मंत्री मुख्यमंत्री जो गए यहाँ पर दर्शन करने भी, और वहां पर भी देखा गया उनका जो प्रोटोकॉल था वो वैसे ही था जैसा रहता है, आगे पीछे उनके तमाम जो उनको उनके जो सुरक्षा कर्मी थे वो नजर आ रहे थे। तो सोशल डिस्टेंसिंग और जो नियम तो यहाँ भी फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो सवाल ये हो रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाषण देकर ये तो बता रहे हैं जनता को कि आप नियम को फॉलो करिए, लेकिन खुद की तो तस्वीर सामने आ रही, तो जनता क्या सीखेगी उनसे? जनता खुद तो जागरूक है, फिर डर तो खत्म हो रहा है। न्यूजीलैंड एक अलग सोसाइटी है, वहाँ का उदाहरण देना। न्यूजीलैंड में तो ये है कि देखिए सब यंग महिलाएं वहाँ प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं, और वहाँ तो इतनी सादगी है कि अभी एक पत्रकार अमेरिका से गए थे न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से इंटरव्यू करने, तो प्राइम मिनिस्टर खुद अपनी पर्सनल कार चला के उनको हवाई अड्डे लेने गई थी। तो आप वहाँ के जो बात हो, वहाँ कोई वो वीआईपी सिंड्रोम नहीं। हमारे यहाँ तो कल्चर वीआईपी कल्चर है ना, क्योंकि हम सामंतवादी सोसाइटी है और ये फ्यूडलिज्म जो है वो हमारे प्रशासन में भी झलकता है। तो ये तो एक बड़ी व्यापक चीज है, लेकिन जहाँ तक कोरोना का संबंध है मुझे लगता है कि आम भाषा में लोगों को अभी थोड़ा कन्विंस करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें सारे जो कोरोना का डायलॉग है इसमें बजाय डॉक्टरों को आगे करने के पॉलिटिकल लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स आ रहे हैं, वो भी अंग्रेजी के शब्दों का इतना कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो आम आदमी है शायद वो उसको ग्रहण भी नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक जनरल है, आप ट्रैफिक रूल का आप देखिए, हेलमेट लगाना तो अपने फायदे के लिए है ना सबको, लेकिन उसके लिए भी नहीं होता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे देश में नियमों को पालन कराने के लिए, सामान्य नियमों को पालन कराने के लिए पुलिस को डंडे चलाने पड़ते हैं। हाँ ये जरूर है, आप जो कह रहे हैं जिस बात पे आप जोर दे रहे हैं कि जो सरकार में बैठे लोग हैं अगर वो खुद नियम का पालन करें और प्रशासन भेदभाव ना करे तो जाहिर है कि ये भावनाएं बढ़ जाएंगी, लोगों का नियम पालन का प्रतिशत बढ़ जाएगा। जी सिराज मेहंदी सर, यहाँ पर एक और बात सब सामने आ रही है कि क्या लग रहा है कि आप अपनी बात को तो मुखर होकर रख रहे हैं, चाहे हम पेट्रोल डीजल की बात करें या फिर चीन के मुद्दे की बात करें, विपक्ष सवाल आप उठा रहे हैं लेकिन जब आप इसको लेकर सड़क पर उतर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये जो नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसके ये आपके विरोध में आड़े नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से केसेस भी, क्योंकि अगर हम नवीन जी की बात करें वो कह रहे चलिए उत्तर प्रदेश में ऐसा, लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसा हुआ, अभी ताजा ही मामला है, हरीश रावत जी पर केस दर्ज हुआ है। देखिए ऐसा है, देखी देखा पाप देखी देखा धर्म। हमारे प्रधानमंत्री जी अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंस मानी जाए, मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं सोशल डिस्टेंस मानी जाए, लेकिन जब इनके पार्टी के लोग ही नहीं मान रहे हैं, विपक्ष सिर्फ मुकदमा उनके ऊपर कायम नहीं हो रहा है, उनको कोई खौफ नहीं है, तो विपक्ष जाहिर सी बात है अगर हमारा कोई आदमी बंद हुआ है, जैसा अभी श्रीवास्तव जी सफाई कह रहे थे, मैं कह रहा हूँ ये मुकदमा तो 4 महीने पहले तय होना चाहिए था, मुकदमा ये मामला 5-4 महीने का है, आज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, कल ही रात उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो तजातियाँ हो रही हैं सिर्फ विपक्ष के ऊपर हो रही, विपक्ष बोलने न पाए, समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया, क्या जबरदस्त लाठीचार्ज उनके ऊपर हुआ। भाई सवाल इस बात का, प्रदर्शन करना या धरना अपनी बात कहना अगर गुनाह है तो लोकतंत्र खत्म हो चुका है, फिर लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं रह जाएगी। अपनी बात सुनना सीखे, 6 साल सरकार वहाँ हो गई, 3 साल सरकार यहाँ हो गई, विपक्ष की बात भी सुने। आज अगर विपक्ष की बात सुनी जाएगी, देखिए अच्छी सरकार चलाने में लोहिया जी कहते थे अच्छे मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है, अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो कभी सरकार सत्ता नहीं चलेगी लोकतंत्र की, वो फिर राजतंत्र हो जाएगा। तो राजतंत्र न बनाया जाए, लोकतंत्र की ही व्यवस्था रखी जाए। अम्बेडकर जी का जो सपना था, जो जवाहरलाल जी का सपना, जो महात्मा गांधी जी का सपना था, अभी हमारे श्रीवास्तव जी ने अम्बेडकर जी का जिक्र किया है, तो उनके 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 संविधान को
ही बना करके रखा जाए। मेरा ख्याल है प्रधानमंत्री जी सोच कोई खराब नहीं है, लेकिन उनके मानने वाले उनके फॉलोअर जो हैं वो उनकी बात नहीं मान रहे हैं, और वो चाहते हैं सिर्फ विपक्ष ही उनकी बात माने। तो विपक्ष अपनी बात तो रखेगा, चाहे वो जेल में रखे, रखे लेकिन क्यों नियम को क्यों नहीं आप मान रहे हैं? क्योंकि अगर आप लोग कहेंगे तो कम से कम नियम के साथ अपनी बात रखे हैं, कहा तोड़ रहे हैं नियम कहीं नहीं। भाई अभी अभी आप ही ने कहा बलिया के एमपी ने नहीं रखा, और सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम मंत्री ऐसे हैं जो नहीं रख रहे हैं, तमाम ऐसी बात है, रोज देखा जा रहा है, टीवी हम ही देख रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, तो हम लोग तो रख रहे हैं। मैं तो दोनों को ही बोल रही हूं सर, लेकिन यहां पर बात ये जी जी बोलिए क्यों सोच को जनता जनता जो है जनता खुद से अपने अपने इसमें तो छोड़ दिया ना, सरकार ने तो कह दिया अपनी 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 सुरक्षा खुद कीजिए, अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, तो हमें रखना चाहिए सुरक्षा रखने की बात है। अगर कहीं जाति होगी कुछ होगी और 10-5 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, एकदम से मुकदमा कायम कर देना और अपने ऊपर ना करना, भाई अब यही कर रहे हैं ना, तो सीधी बात ये जाहिर बात है यही कहा जाएगा कि जो अगर कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसके ऊपर जेल जाओ, ये जेल जाओ, जेल जाने भी लोग तैयार हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी अगर कह रहे हैं, अपील कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, तो ऊपर पक्ष विपक्ष दोनों को उस बात को मानना चाहिए, सिर्फ विपक्ष ही माने और पक्ष ना माने, ये लोकतंत्र में कैसे व्यवस्था अच्छी होगी जी। नवीन जी अब ऐसा होगा, नवीन जी ऐसा होगा कि अब अगर ऐसी कोई तस्वीर मिलती है तो बीजेपी कार्रवाई करेगी? करेगी तो हम लोग बहुत ज्यादा होंगे, अभी हम भी नहीं करेंगे या उपेक्षा नहीं करेगा। दो चीजें एक साथ जोड़ी जा रही है, कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी और सोशल डिस्टेंसिंग, ये दोनों चीजों को कोरिलेट करके ना देखा जाए। कांग्रेस अजय लल्लू की गिरफ्तारी है, नहीं अब अजय लल्लू को, चलिए आप नवीन जी एक सेकंड, आप एक मिनट अजय लल्लू जी को साइड रख दीजिए। हरीश रावत जी पर कर मुकदमा दर्ज हुआ और ऐसे मुकदमे और उत्तराखंड में दर्ज हुए, उत्तराखंड में जब अब सतपाल महाराज की बात जो मैंने पहले भी किया था वो भी पहले था, पहले चिताया गया, उन पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, हरीश रावत जी पर मुकदमा दर्ज हुआ। ये नहीं कह रहे कि विपक्ष पे क्यों मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, बात ये है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग नियम है तो सबके लिए बराबर होने चाहिए, बस यही आपकी बात सही है, ये होना चाहिए। मैंने ही कहा और मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं। अच्छी जहां बिल्कुल सिराज जी, मैं इसको स्वीकार कर सिराज भाई, मैं बिल्कुल इसको स्वीकार कर रहा हूं कि नियम सबके लिए है, कोरोना आप से आप स्वीकार कर रहे हैं, इससे अच्छी कौन सी बात है, आप स्वीकार कर रहे हैं इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और विपक्ष की आवाज को न दबाइए, विपक्ष की आवाज को उठने दीजिए, तभी सत्ता पर सिराज बढ़ेगा। सिराज भाई सुन लीजिए जरा सर, हाँ बोलिए नवीन जी, नहीं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं भी इसी सुन रहा हूँ की बात को जी। मेरा ये कहने का मतलब है दीपाली, निश्चित रूप से हम सबको अपने कर्तव्यों का, अपने मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, संविधान का कहीं उल्लंघन नहीं, और जो भी उल्लंघन करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक घटना बता दूं छोटी सी, उत्तर प्रदेश के एक जिले में जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी थे वह कोरोना काल में गश्त पर निकले और मास्क नहीं लगाए थे, 1100 रुपए का उनका चालान काटा गया, और चालान को मोहित अग्रवाल, वो कहीं आईजी या इस रैंक के बड़े अफसर हैं, तो ऐसा नहीं है। कोरोना काल में जिन्होंने उल्लंघन किया उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, और यह निश्चित रूप से आगे इस बात का सब लोग प्रयास करेंगे कि चाहे वो देखिए राजनीतिक दलों के नेता निश्चित रूप से समाज के लिए एक आदर्श होते हैं, और उनके द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने से एक खराब मैसेज जाता है, लोगों को एक कहने का मौका मिलता है कि फला तो कर रहे हैं तो हमसे क्यों पूछा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको सबको ध्यान देना चाहिए। मैं सिराज जी के इस बात से सहमत हूँ कि और आपकी भी कि नहीं, नियमों के कानून जो पालन नहीं कर रहा उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाए कि कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आगे हम ये माने कि कम से कम आप उत्तर प्रदेश में या बाकी जगह जहां जहां बीजेपी है वहां पर अगर ऐसी कोई तस्वीरें देखने को मिलती हैं तो उन पर केस दर्ज होगा या फिर समझा दिया जाएगा? मार नहीं, निश्चित रूप से देखिए होना तो वही चाहिए जो सबके ऊपर हो, कोई नहीं है प्रधानमंत्री जी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं प्रधानमंत्री, वो 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है, और बार बार उनके द्वारा जब हाथ जोड़ के अनुरोध किया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि लोग कोरोना से बचने के लिए जो दिशा निर्देश जारी है उसका पालन करें, तो वो देश के 130 करोड़ सभी लोगों के लिए है, वो कांग्रेस बसपा भाजपा के लिए अलग नहीं है, मजदूर के लिए और आईएएस अफसर के लिए अलग नहीं है, वो सबके लिए, हम सबको, चूंकि कोरोना किसी को देख के नहीं आएगा, हम सबको अपनी बचाव के लिए दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए,
विशेष रूप से जो लोग समाज में किसी प्रकार का स्थान रखते हैं, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, खिलाड़ी हो, फिल्म स्टार हो, अधिकारी हो, जिनको जनता अपना एक आदर्श मानती है, देखती है, उनको तो इसका और विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसी कोई चीज सामने लाए जिससे कि आम लोगों पर उसका गलत असर जाए। जी रामदत्त त्रिपाठी जी, सर एक बात ये भी है कि अब बहुत सारी ये भी बातें सामने आ रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि पहले तो इतना ज्यादा खौफ फैला दिया गया कोरोना का, ऐसा नहीं है कि लोग डर नहीं रहे, लेकिन पहले ये पार्टियों द्वारा इतना खौफ फैला दिया गया और जो इसके वजह से लॉकडाउन हुआ, फिर अनलॉक हुआ, फिर धीरे धीरे अब कहने लगे सब लोग कि कोरोना के साथ जीना सीख लेना चाहिए, ये जो ऐसी बयानबाजियां हुई हैं कोरोना को लेकर और जो जो क्रिएट किया गया, क्या इसका भी असर है कि लोगों में डर भी है और नहीं भी है, और इसके वजह से ये जो मैसेजेस गए हैं लोगों में, इसकी वजह से स्थितियां ऐसी हो गई हैं जो आज हम देख रहे हैं तस्वीरों में? शुरुआत में तो शायद सरकार को भी अंदाज नहीं था, और दूसरे क्या है कि हमारा यहाँ सरकार, अर्थव्यवस्था, रोजगार, उसमें इतने लेवल हैं कि सरकार को शायद अंदाज भी नहीं था कि इतने करोड़ लोग अपने गांव घर से दूर कहीं काम कर रहे हैं और उनके रहने की कंडीशंस क्या हैं। जिस तरह से वो खोली में और झोपड़ी में या बम्बई के चाल में रहते थे, तो वहाँ और किस तरह से उनको एकदम से जब काम धाम ठप हो गया, मजदूरी मिलनी बंद हो गई, तो क्या समस्याएं हुई, तो उसकी वजह से एक तो सबसे बड़ी शुरू में वो परेशानियां आई थी। अगर ये सब लोग अब मान रहे हैं कि अगर उसको पहले हफ्ते भर का टाइम दे दिया गया होता, और रेलवे को बंद करना जो सबसे बड़ा इस देश के लिए, कि जब पूरे देश के मजदूर चाहे यहाँ से पंजाब जाते हो, जालंधर जाते हो, चाहे बम्बई जाते हो, गुवाहाटी जाते हो, जो एक साधन था उसको बंद कर देने से तो तमाम, एक तो शुरू में वो प्रॉब्लम आई तमाम जगह, क्योंकि हमारा देखिए सिस्टम भी नहीं है, जो रूरल एरियाज में जांच का सिस्टम नहीं है, अस्पताल नहीं है, आज भी टेक्नीशियंस और किट्स वगैरह नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान देना चाहिए था दो चीजों पर। एक तो ये कि भाई लोगों को भुखमरी भी एक बड़ी समस्या है कि आप कोरोना से नहीं, भूख से मरे तो लोग भागे, तड़प के इधर उधर भागे। अब जो है सरकार को मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जोर ये देना चाहिए, जिसकी अभी भी कमी है, कई राज्यों से आ रही है, जो हालांकि अभी यूपी में उन्होंने ऐलान किया है कि मेरठ मंडल में 1 जुलाई से डोर टू डोर जाएंगे कि जिसको भी थोड़ा शक है, डाउट है, उसकी जांच हो जाए, क्योंकि जांच कराना भी एक बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। तो पहले पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और जहां तक है सोशल डिस्टेंसिंग पर तो ध्यान देना ही देना चाहिए। और जहां तक देखिए प्राइम मिनिस्टर की आज एक बात का है, तो उन्होंने ये अच्छा किया कि नवम्बर तक के लिए उन्होंने राशन का ऐलान कर दिया, और शायद वो जरूरी भी था चुनाव वगैरह को ध्यान में रखते हुए बिहार को। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर से लोग जो अंतरराष्ट्रीय मामलों में चिंता है लोगों को, चीन से लेके, नेपाल से लेके, श्रीलंका भी उधर जा रहा है, भूटान ने पानी रोक दिया है, तो उस पर जरूर थोड़ा हम लोग मायूस रहे कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सुनना चाहिए था। राशन का तो काम राज्य सरकारें भी कर सकती थी, प्राइम मिनिस्टर से हमें रक्षा। तो लगातार हम चर्चा करें, हमारे साथ जुड़े हुए नवीन जी और सिराज मेहंदी जी और रामदत्त त्रिपाठी जी। सिराज मेहंदी जी का रुख करती हूँ। सिराज मेहंदी जी, अभी कुछ दिन, 2-4 दिन पहले की जो तस्वीर थी, आप पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जो विरोध जताया जा रहा था, क्योंकि अभी आप बहुत अच्छे से सारे मुद्दों को उठा रहे हैं, हर सवाल पूछ रहे हैं आप सरकार से, तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए? क्योंकि 3-4 दिन पहले जो तस्वीर देखी गई थी उसमें दिग्गज नेता, अब अगर दिग्विजय सिंह जी वो अगर फॉलो करते नियम को नहीं आएंगे नजर, तो क्या यहाँ पर जनता पे मैसेज जाएगा? जो उन्होंने रैली निकाली थी, साइकिल रैली, उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, मास्क जरूर नजर आ रहा था कांग्रेस का, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नियम कहीं भी नहीं थे। देखिए अभी बात ये हुई है, पीछे भी इससे पहले बात हुई है कि सोशल डिस्टेंसिंग सबको माननी चाहिए, और जो नहीं मानेगा वो खुद भुगतेगा, क्योंकि ये बीमारी जो है अजीब टाइप की बीमारी है। तो जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा या मुख्यमंत्री जी ने कहा, देश कह रहा है या डॉक्टर्स बड़े कह रहे हैं या एम्स का डायरेक्टर जी कह रहे हैं कि आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी है, तो चाहे हम विपक्ष के हों चाहे पक्ष के हों, हमको इसको मान के चलना पड़ेगा कि हमको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। तो सर क्या आगे माने कि अब जो कांग्रेस विरोध करेगी उसमें ये चीज, इस चीज को फॉलो करेगी, अब हमें ऐसी कोई तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी, एक अच्छा संदेश देगा विपक्ष? नहीं, हमारी राय, हमारी गुजारिश है
तमाम विपक्ष से, सिर्फ कांग्रेस से नहीं है, कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके ही बात रखी जाए। और हमारे बड़े भाई रामदास त्रिपाठी जी, उन्होंने जो मुद्दे अभी उठाए हैं, तो पत्रकारिता को जैसा बोलना चाहिए वैसा उन्होंने कहा है, जो हमको कहना चाहिए तो बातें उन्होंने कही हैं, तो बहुत अच्छी बातें कही हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग का सबको ख्याल रखना चाहिए, लेकिन एकदम कि विपक्ष न बोले, विपक्ष कुछ न कहे, हम एकदम मनमानी करें, हम इमरजेंसी लगा टाइप लगा करके रखें, ये नहीं चलेगा। इसको जनता स्वीकार नहीं करेगी देश की, हमको इनको सुनना पड़ेगा और हमें बोलना पड़ेगा। जी नवीन जी, इसको कैसे लेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर जब वो यही बात कह रहे हैं, विपक्ष जब अपनी बात रख रहा है तो आप उस पर ये एक्ट लगा के कार्रवाई कर दे रहे हैं, तो कम से कम वो अपनी बात रख रहे हैं, उसको रखने दीजिए, लेकिन कम से कम बदले की भावना लेकर ये वाले मुकदमे तो ना दर्ज कराए जाए, कोविड वाले। दीपाली जी देखिए, मैं रामदत्त जी और सिराज जी दोनों बहुत वरिष्ठ, दोनों कराए जा सकते रामदत्त जी। हाँ, रामदत्त जी ने कुछ बातें कही लॉकडाउन को लेके, कि लॉकडाउन में सरकार ये आकलन नहीं कर पाई कि राज्यों में इतने लोग होंगे जो चालों में रह रहे होंगे, उनके लिए कैसे व्यवस्था। देखिए, जब कोरोना का संक्रमण देश में शुरू हुआ तो सिर्फ पुणे में एक लैब थी, पूरे देश में एक लैब थी जो वायरस का टेस्ट करती थी। लॉकडाउन के दरमियान हमने अपनी क्षमता बढ़ाई, आज 600 से अधिक हमारे पास टेस्ट है। उत्तर प्रदेश जहां हम बैठे, मैं बैठा हुआ हूं, उत्तर प्रदेश में पहला कोरोना का मरीज जब आगरा में पाया गया तो उसको दिल्ली में भर्ती कराना पड़ा, उत्तर प्रदेश में कोई व्यवस्था नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने 1,00,000 से अधिक बेड की व्यवस्था की और 20,000 से अधिक प्रतिदिन टेस्ट हो रहे हैं। रही बात जो लोगों को जरूरतमंद थे, मजदूर थे, आप्रवासी थे, प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन ही देश में करोड़ों लोगों के लिए निःशुल्क राशन, प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं या चावल, दाल, ये सारी चीजों की व्यवस्था की। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कहा भी कि वन नेशन वन राशन कार्ड, तो राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी भी शुरू की गई। देश के बहुत सारे राज्यों ने माना भी, 8 करोड़ किसानों के खाते में, 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपया भेजा गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 30,00,000 रेहड़ी ठेले खोमचे वालों के खातों में पैसा भेजा। सरकारों ने अपने हिसाब से पूरा प्रयास किया। रही बात विपक्ष की बात सुनने और न सुनने की, दीपाली जी, पहले लॉकडाउन के बाद जितने भी फैसले हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार विमर्श किया। उसमें सिर्फ भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं थे, कम्युनिस्ट के भी थे, कांग्रेस के भी थे, अन्य दलों के भी थे, तो सबसे विचार विमर्श करके ही लॉकडाउन बढ़ाने का, कैसे क्या करना है, वो सारे सामूहिक निर्णय लिए गए। तो यह कहना कि विपक्ष से पूछा नहीं गया, विपक्ष की राय नहीं ली गई, ये विषय ऐसा नहीं है। और हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तो स्वीकार कर सुधार करने पर विश्वास रखते हैं। अगर विपक्ष का, मीडिया का कहीं कोई सकारात्मक सुझाव होता है तो निश्चित रूप से हम उसका पालन करते हैं और पालन हम आगे भी करेंगे। इसलिए यह कहना कि विपक्ष का, लेकिन नवीन जी मानते नहीं है आपकी, पहले भी ऐसे विरोध होते रहे हैं। नवीन जी, क्या आप ये मानेंगे कि पहले भी ऐसे विरोध होते रहे हैं और लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मामला कुछ और है और मामला किसी और मामले में दर्ज किया जा रहा है, और ये आप देखने को मिल रहा है, इसलिए सवाल उठ रहा है कि अगर विरोध करें तो करें, लेकिन आप COVID-19 और ये सब लेकर, आप सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्यों मुकदमा दर्ज कर रहे हैं? लोकतंत्र में विपक्ष को या किसी को भी अपनी बात कहने का अधिकार निश्चित रूप से है, लेकिन मैंने पहले ही आपकी बात में कहा कि हम लोग सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं, भारत तेरे टुकड़े हो गए इंशाल्लाह कहने को हम अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, संविधान के प्रति, उसकी हम कोई बात नहीं करते हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चलिए, अच्छी बात है, आप सबको अपना कर्तव्य देखना होगा। नीति अच्छी नहीं लग रही है तो निश्चित रूप से आप जी देखते हैं, उम्मीद करते हैं आप कीजिए, लेकिन जो दिशा निर्देश जारी है उसका पालन तो करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये पालन फिर सबको करना होगा। और कर्तव्य की अगर आप बात कर रहे हैं तो कर्तव्य बीजेपी को भी और कांग्रेस और सभी विपक्ष को करना होगा, इसी उम्मीद के साथ कि आगे कम से कम ऐसी तस्वीरें हमें ना देखने को मिले और ना ही ये देखने को मिले कि एक के खिलाफ तो मुकदमा हो रहा है लेकिन दूसरा बकायदा यहाँ पर नियम की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अब उम्मीद यही है कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि नियम सबके लिए होते हैं और इसका पालन भी करना होगा, तभी जाकर हम बहुत सारी चीज़ों को सुधार मिला पाएंगे, यानी कि कोरोना को नियंत्रित कर पाएंगे। अब इसका फॉलो कितना किया जाता है सभी पार्टियों के द्वारा, ये समय बताएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।